आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में आप लोगों को मारुति सुजुकी इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे डाउनलोड करनी है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि आपने मारुति सुजुकी गाड़ी परचेस किया है और पॉलिसी जो है शोरूम से लिया हुआ है, तो उसकी पॉलिसी आपको कैसे डाउनलोड करनी है बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद आपको लिखना है मारुति सुजुकी इंश्योरेंस, ठीक है। मारुति सुजुकी इंश्योरेंस लिखेंगे और जो मारुति का जो साइट खुलेगा उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपका एक होम पेज खुल जाएगा। होम पेज खुलने के बाद आपको यहाँ पर देखेंगे कस्टमर जोन पॉलिसी डाउनलोड दिख रहा है ना, तो इसमें देखिए पॉलिसी डाउनलोड को आपको क्लिक करना है। पॉलिसी डाउनलोड को क्लिक कर दीजिए इस प्रकार से, तो ये आपका पॉलिसी डाउनलोड आ जाएगा। इसमें देखिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट दिख रहा है, ठीक है। और पॉलिसी डॉक्यूमेंट में यहाँ पर देखिए इंटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है। उसके बाद नीचे देखिए इंटर पॉलिसी नंबर दिख रहा है ना ये। यदि आपको आपकी गाड़ी का नंबर पता है तो आप अपनी गाड़ी का नंबर डालेंगे, और जब नई गाड़ी खरीदें आप, ठीक है, तो नई गाड़ी में पॉलिसी नंबर में गाड़ी का नंबर नहीं डला होता है। जो पॉलिसी होता है उसमें गाड़ी नंबर नहीं डला होता है, सिर्फ पॉलिसी नंबर रहता है, ठीक है। तो पॉलिसी नंबर को सर्च करके आपको पॉलिसी डाउनलोड करना है, ना कि गाड़ी नंबर डाल के। गाड़ी नंबर डालेंगे तो आपका इनवैलिड बताएगा, पॉलिसी सर्च नहीं होगा, है ना। ये उस कंडीशन में लागू होगा जब आप रिन्यूअल कर चुके हैं। जब आपका पॉलिसी एक या दो बार रिन्यू हो चुका है तब आप व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आप पॉलिसी नंबर निकालेंगे। और जब आपने नई गाड़ी खरीदी है तो 3 साल का आपको थर्ड पार्टी मिलता है और 1 साल का फर्स्ट पार्टी, या फिर 3 साल का फर्स्ट पार्टी और 3 साल का थर्ड पार्टी मिलता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको पॉलिसी नंबर डालना है। यदि आपको आपकी गाड़ी की पॉलिसी नंबर नहीं पता, तो मैंने पहले से एक वीडियो बना रखा है, उसमें आपकी गाड़ी के पॉलिसी नंबर, PUC, ड्राइविंग लाइसेंस, सारा कुछ स्टेटस पता चल जाता है। उस वीडियो को लिंक में डाल दिया है, आप जाकर देख सकते हैं, आपने गाड़ी नंबर सर्च करके पॉलिसी नंबर जान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं, गाड़ी नंबर से नहीं बताएंगे, यहाँ पर आपको पॉलिसी नंबर से कैसे पॉलिसी निकालते हैं बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इंटर पॉलिसी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉलिसी नंबर को डालेंगे, ठीक है, क्योंकि नई गाड़ी है ये, तो नई गाड़ी में नया नंबर नहीं डाला जाता, ठीक है। नई गाड़ी के लिए आपको पॉलिसी नंबर डालना होता है। चलिए देखते हैं पॉलिसी नंबर डाल के, ठीक है। ये देखिए हमने यहाँ पे पॉलिसी नंबर डाल दिया। पॉलिसी नंबर डालने के बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सबमिट का, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सबमिट डालेंगे, ठीक है। इसमें पूरा पॉलिसी नंबर डालना है आपको, ठीक है। इस प्रकार से जब उसने आप सबमिट किया, तो सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पर OTP का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ये मोबाइल नंबर दे रहा है आपका, रजिस्टर मोबाइल नंबर जो भी आपने रजिस्टर किया है उस नंबर पर OTP जाएगा, ठीक है। OTP को आपको डालना पड़ेगा। तो OTP डालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से क्लिक कर दीजिए और डॉट पे क्लिक करेंगे। इस डॉट पे क्लिक किए, है ना। क्लिक करने के बाद आपको करना है फिर सेंड OTP करना है, ठीक है। सेंड OTP कर दीजिए, चलिए करते हैं सेंड OTP। ये देखिए अब सेंड OTP हो गया। अब इसमें OTP जो आएगा उसको यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या किए, डाल दीजिए, चलिए ठीक है, डाल के देखते हैं। डालने के बाद देखिए आपका पॉलिसी नंबर खुल जाएगा। जैसे ही आप OTP डालेंगे, OTP डालने के बाद आपकी पॉलिसी ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाती है। चलिए देख लेते हैं आपको पॉलिसी नंबर डाउनलोड हुआ कि नहीं। ये देखिए आपकी पॉलिसी डाउनलोड हो चुकी है। इसमें आपको पूरा पॉलिसी डिटेल पूरा दिख रहा है, ठीक है। नाम नंबर डिटेल सब मिल आपको इसको मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या क्या आपने लिया है सब पता चल जाएगा, ठीक। इस प्रकार से आप अपनी पॉलिसी की कॉपी डाउनलोड करके रख सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत पड़े उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।